ये भी क्वेश्चन है ना, इट कैन बी सॉल्व विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, पेन ड्रॉप परफॉर्मेंस। अब दोनों जैसे ही मिक्स होते हैं टोटल स्ट्रेंथ क्या आ जाती है इसकी, 21%। बिल्कुल सही, तो कुछ चमक रहा है। बाद में जब ये चमका तो मुझे समझ में आया कि ये तो सही में पेन ड्रॉप परफॉर्मेंस था भाई, ये पीडीपी था सर, पीडीपी था। नमस्कार जनता, मैं विद्यार्थी अर्जुन के रूप में एडुटेनर कुमार अंशु, मैं गुरु द्रोणाचार्य के रूप में एडुटेनर नितिन गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कैट 2021 के स्लॉट 1 के इस सवाल में, जो कि मिक्सचर एंड सॉल्यूशंस का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें ये इंडिगो सॉल्यूशन सर, ये क्या कोई एयरलाइन वाला इंडिगो है क्या सर? नो, इट्स नॉट अ गो इंडिगो। ओके, गो इंडिगो वालों सू मत कर देना भाई हमें ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट के नाम पे। तो सर अल्टीमेटली इसमें रखा क्या है ये बताइए आप। देखो ये क्वेश्चन जब तुम पढ़ना शुरू करोगे ना, तुम्हें देख के लगेगा यार कहाँ फंस गए, छोड़ के भाग जाते हैं पतली गली। हाँ बिल्कुल सही, बट ये भी क्वेश्चन है ना, इट कैन बी सॉल्व विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, पेन ड्रॉप परफॉर्मेंस। पेन ड्रॉप परफॉर्मेंस करेंगे आज हम लोग इसमें भी, जो कि सर का अपना फेवरेट डायलॉग है, जिसमें मैं थोड़ा सा बेइज्जती की फील आती है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो, पर देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है इसका पेन ड्रॉप परफॉर्मेंस। तो सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, इससे पहले कि आप इसका सॉल्यूशन देखें प्लीज इसको 3 से 5 मिनट तक पॉज मारिए, इसको प्यार से अटेम्प्ट करिए और फिर जाके इसका सॉल्यूशन देखिए, तब आएगा मजा। तो चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए सर। ये तो 4-5 लाइन का क्वेश्चन दिख रहा है सर, तो क्या करना चाहिए? पतली गली, पतली गली भाई लोग। वापस आएंगे सर। हाँ। वापस अगर मान लो कि ये सेकंड राउंड है और हम फिर से उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिगो सॉल्यूशन इन परसेंटेज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इंडिगो इन ग्राम्स पर 100 cc ऑफ वाटर। तो बेसिकली ग्राम पर 100 cc इज देयर स्ट्रेंथ। 2 800 cc bottles are filled with indigo solutions of a strength 33% and 17% respectively. तो सर मैं तो बोलूंगा पहले दो छोटे छोटे बॉटल बना देते हैं 800 ml का। 800 cc का एक बॉटल है, दूसरा बॉटल भी क्या है 800 cc का, और पहले में जो स्ट्रेंथ है कितनी परसेंट है? 33% है, और दूसरे की स्ट्रेंथ क्या है? 17%। बट क्या ये जो वॉल्यूम है ये टोटल कंप्लीटली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है या कितना फिल्ड है? एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। 2 800 cc विल बी फिल्ड विद इंडिगो सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रेंथ दिस इज सर, ऐसे तो लग रहा है कि कंप्लीटली फिल्ड है। यस, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन। नहीं, क्यों नहीं हो? पीछे देखो पीछे। 2 800 cc bottles are filled with indigo solution. Filled with indigo solutions का मतलब क्या है? उसमें एयर है ही नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन है। That's right. Basically fully filled है। तो आगे बढ़ते हैं। A part of the solution from the first bottle is thrown away. पहले बॉटल से कुछ तो उठा के फेंक दिया सर। ठीक है। And replaced by an equal volume of the solution from the second bottle. सर ये बड़ा confusing line है सर। चलो करके देखते हैं। पहले से कितना फेंका तुम? अब ये नहीं समझ आया। अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम फर्स्ट बॉटल इज थ्रोन अवे, कुछ तो भी एक पार्ट है। मान लो एक्स उठा के फेंक दिया, तो अगर इसमें से एक्स हटा के फेंक दिया मान लो, ठीक है ना, इसको फेंक दिया, तो इसमें अब कितना बच गया? सर इसमें 800 सीसी था तो 800 माइनस एक्स बच गया, 800 माइनस एक्स हो गया। ये बात ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद बोलते हैं कि and replaced by an equal volume of the solution from the second bottle. में equal volume किसका half होगा, किसका equal sir? Equal means जितना तुमने फेंका है same quantity दूसरे से इसमें डाल रहे हो। ठीक है सर, पर मेरे को फर्स्ट झलक पे ऐसा लग रहा था कि जो बॉटल टू का जो सोल्यूशन है उसमें से equal पार्ट उठा करके उसमें डाल दिया। अच्छा कुछ भी, तो मान लो अगर 800 सीसी का वो है, ठीक है, उसमें से फेंका तुमने 100, हाँ, और 400 तो कहाँ जाएगा बाकी सब? जमीन पे गिरेगा। जमीन पे गिरेगा, ठीक है ना। नाउ आई सी योर पॉइंट। ठीक है, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिगो सॉल्यूशन इन द फर्स्ट बॉटल हैज नाउ चेंज्ड टू 21%, देन वॉल्यूम इन सीसी ऑफ द सॉल्यूशन लेफ्ट इन द सेकंड बॉटल इज। ओके, अब बताओ मुझे सेकंड बॉटल से फर्स्ट में कितना डाला था वापस? सर जितना फेंका था उतना डाला था, यानी एक्स डाला था। तो सेकंड बॉटल में कितना बच गया? ओ, इसमें भी 800x बच गया, 800 माइनस एक्स बच गया। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? x फाइंड आउट करना है 800 माइनस x, पहले तो ये क्लियर कर लो।
बहुत बढ़िया सवाल है सर ये। इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिगो सॉल्यूशन इन द फर्स्ट बॉटल हैज नाउ चेंज टू 21%, देन द वॉल्यूम इन सीसी ऑफ द सॉल्यूशन लेफ्ट इन द सेकंड बॉटल, ये 800 माइनस एक्स करना है सर। तो वी नीड टू फाइंड आउट 800 माइनस यस। जब ये एक्स दूसरे से फर्स्ट में ट्रांसफर किया यस सर, तो जो अब इसका कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना हो गया है? 21% हो गया। और मुझे एक्स फाइंड आउट करना है। सर ये तो थोड़ा इजी लग रहा है मुझे देख के, चलो बताते हैं। तो मैं बताऊं सर इसमें क्या किया जा सकता है? बिल्कुल देखिए सर, बहुत सिंपल सी बात है, 800 माइनस एक्स जो सॉल्यूशन बचा हुआ था फेंकने के बाद, उसका कॉन्सेंट्रेशन था 33%। ठीक है, उसके बाद उसमें से एक्स उठा करके इसमें डाल दिया, जो एक्स डाला था उसका कॉन्सेंट्रेशन था 17%। ठीक है, अब जैसे ये दोनों भाई लोगों को मिक्स किया, एक्स ऑफ 17% और 800 माइनस एक्स ऑफ 33%, इन दोनों के सम्मिश्रण होने के बाद जो 800 ml बना वो 21% का बन गया। बिल्कुल, तो वेटेड एवरेज हो गया ना सर ये। हाँ, इट्स अ वेटेड एवरेज। यस, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। एटलीस्ट तुमको ये चमका तो सही कि ये वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम बोलोगे कि सर ये तो रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट का केस है कि रिमूव कर दिए फिर बचा हुआ। अरे सर आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, मेरे को जलील कर रहे हो सर। गजब बेइज्जती है। देखो पहले पढ़ने पे ऐसा ही लगता है, रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट का केस है, बट दैट इज नॉट द केस। गॉट इट। नाउ अब जैसा तुमने कहा कि 800 माइनस एक्स में 33% सॉल्यूशन है, ये बात, तो टोटल क्या हो गया? कैन आई से 33% ऑफ 800 माइनस एक्स प्लस उसमें x ऐड किया मैंने 17%, सो 17% ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम व्हिच इज इक्वल टू हाउ मच? 800 माइनस x प्लस x व्हिच इज 800, दैट्स राइट, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 21%। एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू सॉल्व इट। यस सर, हो जाएगा सॉल्व? यस सर, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, सो इसे सॉल्व करके तो आंसर आ ही जाएगा। सर आपने तो कहा था ये पेन ड्रॉप परफॉर्मेंस है, तो पुरजोर घोड़ागिरी मेथड है सर ये। ये मेथड मैंने थोड़े बताया। अरे शुरुआत तो तुमने की थी इस मेथड की। जनता माफ नहीं करेगी। अरे तो अपने वाला बता दीजिए ना, पेन ड्रॉप परफॉर्मेंस वाला। सो चलो झाड़ू लगाओ। झाड़ू ये लीजिए सर। सो लेट्स कम टू मेथड टू व्हिच इज पीडीपी, पेन ड्रॉप परफॉर्मेंस। दैट्स राइट। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अब ये एक कंटेनर था, इसमें टोटल वॉल्यूम कितनी है? 800। इसमें इनिशियली जो था पूरा का पूरा कंप्लीटली फिल्ड था, जय बात। इसमें से थोड़ी क्वांटिटी मैंने क्या की, निकाल करके फेंक दिया, जय बात। तो निकालने के बाद कुछ तो इसमें बचा होगा। बिल्कुल सही। सो आंसर, निकालने के बाद मान लो ये जो मैंने ब्लू से ड्रॉ किया है इतना बच गया, जय बात। ठीक है, इसकी वॉल्यूम कितनी ले लूं? कुछ भी ले लेते सर, एक्स ले लेते। एक्स ले लूं। सो लेट से दिस वॉल्यूम इज एक्स, तो जो बचा हुआ है वो कितना है? 800 माइनस एक्स। ठीक है, और ये x की स्ट्रेंथ क्या है? 33%। परफेक्ट, वेरी गुड। और ये 800 माइनस एक्स क्या कर रहा हूँ? दूसरे कंटेनर से डाल रहा हूँ, जे बात। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है? उसकी स्ट्रेंथ है 17%। बिल्कुल सही। अब दोनों जैसे ही मिक्स होते हैं टोटल स्ट्रेंथ क्या आ जाती है इसकी? 21%। बिल्कुल सही। तो कुछ चमक रहा है, एलिगेशन रूल। ओह यस, प्यारी समझ गई। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट। सो हो क्या रहा है ना, डू नॉट थिंक एज दैट देयर आर टू डिफरेंट बॉट्स। मैं कहूंगा कि मेरे पास एक की वॉल्यूम एक्स है जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 33%। दूसरा जिसकी वॉल्यूम 800 माइनस एक्स है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 17%। और दोनों को मिक्स करने पे टोटल स्ट्रेंथ कितनी आ जा रही है? 21%। सो 21 माइनस 17 इट इज इक्वल टू हाउ मच? 4। यस सर। एंड 33 माइनस 21 इट इज इक्वल टू हाउ मच? 12। 12। तो ये 4:12 की रेशो आ गई, विच इज इक्वल टू हाउ मच? 1:3। और ये जो रेशो है ये क्या है? टोटल वॉल्यूम। तो ये जो 800 ml है इसमें 1:3 के रेशो में ये है। ओ, 800 ml 1:3 में तो सर बहुत इजी है। हाँ, 800। अब ये 800 क्यों है देख लो, यहाँ पे ये x है और ये 800 माइनस x, तो दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम कितना है? 800, जो कि मुझे 1:3 के रेशो में डिवाइड करना है। तो बहुत आसान है ना सर, 200 और 600 में डिवाइड कर दीजिए। बिल्कुल, तो ये जो है 200 एंड 600 हो गया। एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग 200 है और 800 माइनस एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? 600 है सर। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है यहाँ पे ये कितना है? 200। और दूसरे कंटेनर से जो इसके अंदर डाला वो कितना है? 600। तो दूसरे कंटेनर का टोटल वॉल्यूम 800 था, उसमें से 600 इधर डाल दिया, बचा 200। आंसर 200 है। दैट्स राइट। वाओ, सो आंसर यस सर। मजा आया? बहुत मजा आया। और ये मजा मैं देश के हर नागरिक को देना चाहता हूँ। बहुत सही था सर, ये बढ़िया मेथड था। और मेरे को एलिगेशन शुरू में चमका नहीं था,
बाद में जब ये चमका तो मुझे समझ में आया कि ये तो सच में पेन ड्रॉप परफॉर्मेंस था भाई, ये पीडीपी था सर, पीडीपी था। तो देखो यार, ऐसे ही पीडीपी वाले जो छोटे छोटे मेथड्स है ना, इसको कहीं पे अगर आप लिखते चले जाते हो तो आपकी जिंदगी हो जाती है आसान। रिविजन के दौरान होता है क्या ना कि हम पढ़ तो लेते हैं, घोट भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब वापस उगलने का टाइम आता है तो हम भूल चुके होते हैं। तो उसको रिवाइज करते रहने का है, और रिविजन जो ज्यादा अच्छा करता है उसका रिकॉल भी उतना ही अच्छा होता है। और इसलिए हम लोग क्या कहते हैं सर, एक नोटबुक संवेग के नाम। आज के आज एक नोटबुक संवेग के नाम लेके, और उसमें इस तरह के हर क्रॉप प्रॉब्लम के अगेंस्ट आप अपना फॉर्मूला शीट बनाना शुरू करिए, और टिप शीट और हैक शीट बनाना शुरू करिए। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, क्योंकि सब कुछ आसान है। हो जाएगा, नहीं होगा तो बना ही तो रहे हैं। टाटा आइडियोज, बाय बाय गाइस, जय हिंद। म्यूजिक